गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर पंकज वलेचा। आज हम बात करेंगे घुटने की एक्सरसाइज का, घुटने के आर्थराइटिस में यानी कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। जब भी हम कोई नी आर्थराइटिस का पेशेंट देखते हैं, हम एक चीज़ ज़रूर समझाते हैं कि घुटने की एक्सरसाइज ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी कंडीशन को, आपकी प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगी। आपको डेली घुटने की एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम आपको बताएंगे कि नी की क्या क्या एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं। डेली नी एक्सरसाइजेस करने से हमारे मांसपेशियों की ताकत इम्प्रूव होती है, हमारे घुटने की मूवमेंट इम्प्रूव होती है और उससे हमारे घुटने का बैलेंस इम्प्रूव होता है। जब ये तीनों चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं तो हमारे घुटने का दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगता है और उससे आप बेटर महसूस करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने में। शुरू में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि लोग, हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि आज मैं आधा घंटा पौना घंटा एक्सरसाइज करूँगा। मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ कि आप शुरू करो तो शुरू में सिर्फ 10 रेपिटेशंस करो और उसके 2 सेट करो। जैसे जैसे बॉडी रिस्पॉन्स करती जाएगी हम धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं, नहीं तो शुरू में ही कभी कभी दर्द बढ़ जाता है एक्सरसाइज से और पेशेंट एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। इनिशियली जब हम पहली बार एक्सरसाइज करते हैं तो फर्स्ट डे कई बार दर्द भी होता है जो कि दूसरे तीसरे चौथे दिन से धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अगर आपका दर्द चौथे पांचवें छठे दिन भी बढ़ रहा है तो आपको उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगा कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस के बारे में। सबसे पहले आप अपना, जब शुरू करते हैं एक्सरसाइज करना, फुट एंड एंकल की एक्सरसाइज हम बोलते हैं उसको, यानी कि पैर का पंजा और गिट्टे को हम मूव करते हैं। उसके अंदर आप लेट करके एक मैट पे अपने घुटने को सीधा रखेंगे और अपने पैर के पंजे को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेंगे। ऊपर जब आप मूव करते हैं तो उसको वहाँ रोकना है 2 से 3 सेकंड तक, और जब नीचे दबाते हैं तब भी 2 से 3 सेकंड तक रोकना है। इसको आपने 10 से 15 बार रिपीट करना है और 2 सेट्स में करना है। जो भी एक्सरसाइज हम बताएंगे, हम शुरू में 10 से 15 रिपीटेशंस करेंगे और 2 सेट करेंगे उसके। दूसरी एक्सरसाइज है थाई की एक्सरसाइज, जांग की मसल की एक्सरसाइज, जिसको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। उस मसल के लिए एक बड़ा तौलिया लेंगे आप। इस तौलिये को रोल करके अपने घुटने के नीचे और अपने बिस्तर के बीच में लगा के लेट जाएंगे। लेटने के बाद आप इस तौलिये को अपने घुटने के जोर से बिस्तर की तरफ या मैट की तरफ दबाएंगे। वहाँ पर आप 3 तक गिनती गिनेंगे और फिर इसको रिलैक्स कर देंगे। इस एक्सरसाइज को करने से हमारी मांसपेशियां, जांग की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उनके अंदर ताकत आती है और हमारे घुटने के लिए काफ़ी मदद करती है। इसी तौलिए के रोल को आप अपने एड़ी के नीचे आप शिफ्ट कर सकते हैं। एड़ी के नीचे जब आप इसको लगाते हैं तो आपकी टांग बिस्तर से ऊपर उठ जाती है। जब ऐसा होता है तो हम अपने घुटने के पीछे जो मांसपेशियाँ हैं उनको खींच सकते हैं, उनको स्ट्रेच कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ लोगों के घुटने को जब हम खड़ा करके देखते हैं तो एक साइड का घुटना पूरा सीधा नहीं होता, उस वजह से घुटने में दर्द होता है। उस कंडीशन में ये एक्सरसाइज बहुत मदद करती है। आप धीरे धीरे अपने घुटने को नीचे दबाएंगे, उससे हमारे पीछे का मांस, घुटने के पीछे का मांस स्ट्रेच होता है और उससे धीरे धीरे करके घुटना खुल जाता है। अगली एक्सरसाइज है जिसको हम स्ट्रेट लेग रेजिंग बोलते हैं। जिस भी पेशेंट के घुटने में स्वेलिंग है या दर्द है, वो कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। स्ट्रेट लेग रेजिंग में हम अपने घुटने को नीचे दबाते हैं और टांग को सीधा ऊपर उठाते हैं। जब टांग सीधी ऊपर उठती है तो हम 3 तक मन में गिनती गिनेंगे और फिर टांग को धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। जैसे जैसे इस एक्सरसाइज की आदत पड़ती जाएगी, आप इसको 3 की जगह 5 तक गिनती गिनें, फिर 10 तक गिनती गिनें। ये करते रहने से हमारे घुटने की मांसपेशियाँ स्ट्रांग होती जाती हैं। उसके बाद हम फोकस करते हैं घुटने की मूवमेंट पे, यानी कि रेंज ऑफ मोशन पे। मसल्स की ताकत और टोन के अलावा घुटने की मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम डेली रूटीन में उठने में, बैठने में, घर के काम करने में यूज़ करते हैं। हम ये एक्सरसाइज 2 तरह से कर सकते हैं। एक बैठ करके सिटिंग पोजीशन में, एक आप ऊंची कुर्सी पर बैठिए और बैठ करके अपने पैर साइड में लटका के बैठिए और अपनी टांग को सीधा ऊपर उठाइए, होल्ड कीजिए, 3 तक गिनती गिनिए, फिर उसको नीचे ले आइए।
जितना बेंड कर सकते हैं करिए, 3 तक गिनती गिनिए, फिर उसको सीधा कर लीजिए। ऐसे करके 10 बार इसको रिपीट करना है। दूसरी तरीका है कि आप मैट पर अपने पेट के ऊपर लेट जाएं। जब आप उल्टे होकर लेटते हैं उसके बाद अपने घुटने को बेंड करना है जितना भी आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। इससे भी नी की मूवमेंट इम्प्रूव होती है और हमारी जांग की क्वाड्रिसेप्स मसल यानी कि जो घुटने थाई की आगे की मसल होती है उसके अंदर खिंचाव आता है। जिन लोगों को घुटने के अंदर टेढ़ापन हो जाता है यानी कि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कहते हैं उसको, यानी घुटना थोड़ा सा मुड़ा रहता है, जब आप चलते हैं जल्दी थकान हो जाती है, सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं उसमें भी आपको तकलीफ होती है, सांस चढ़ जाता है, उसके लिए हम एक्सरसाइज जो करते हैं उनको बोलते हैं पोस्टीरियर स्ट्रेचिंग या पोस्टीरियर कैप्सुलर स्ट्रेचिंग। वो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हमने पहले बताया कि टाल रोल को अपने एड़ी के नीचे रख के और अपने घुटने को दबाना है। दूसरा तरीका है कि आप खुद ही अपने पैर को एक स्टूल पे रखिए, अपने एक हाथ से अपनी टांग की हड्डी को और अपने दूसरे हाथ से अपनी जांघ को ग्रिप करके अपने आप को नीचे दबाते हुए असिस्ट करिए, हेल्प करिए। ऐसे नीचे दबाने से भी हमारे पीछे के मांस में स्ट्रेचिंग आती है और हमारा घुटने का टेढ़ापन धीरे धीरे करके खुलता चला जाता है। अगर आप कंफर्टेबली ये सारी एक्सरसाइजेस कर पा रहे हैं और आपको किसी एक्सरसाइज को करने में कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही, तो हम एक एक्सरसाइज एडिशनली बताते हैं जिसको हम लंजेस कहते हैं। पर हमें डीप लंजेस नहीं करने, हमें शैलो लंजेस करने हैं। शैलो लंजेस क्या होते हैं कि हम खड़े होके एक कुर्सी का सपोर्ट पकड़ के या एक हाथ में, अगर आप छड़ी लेके चलते हैं तो एक हाथ में छड़ी का सपोर्ट लेके खड़े होकर के अपने घुटने को बेंड करना है। बेंड करके इतना बेंड करना है कि आपका घुटना आपके पैर से आगे ना जाए। अगर आपके पैर से आगे जाता है तो घुटने का दर्द बढ़ सकता है, इसीलिए इसको शैलो लंजेस बोलते हैं। आप खड़े होके सपोर्ट पकड़ के घुटने को मोड़िए, 3 तक गिनिए और फिर वापस सीधे हो जाइए। मैं समझता हूँ कि ये सब एक्सरसाइज अगर हम रेगुलरली करते हैं तो हमारे घुटने का दर्द जो कि नी आर्थराइटिस की वजह से होता है उसमें काफ़ी मदद मिलती है। हम रूटीनली अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हमारे इलाज की आपके लिए डेफिनेटली काम करेगी तो वो नी एक्सरसाइज है। दवाइयाँ, कुछ मरीजों को कुछ दवाइयाँ सूट करती हैं, कुछ को नहीं करती हैं, बट नी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मदद करती है हमारे पेशेंट्स को। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। इसको रेगुलर कीजिए और हमारे को अपना फीडबैक लिखिए। थैंक यू वेरी मच।